इंजीनियर जनक भारद्वाज फिर एक नई प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। दोस्तों गाड़ी सियाज आई है और इसकी ब्लोअर पाइप फट चुकी है। अगर आप रास्ते में कभी फंस जाए, अगर आप पाइप ना मिले या फिर कोई टेक्नीशियन ना मिले तो आप खुद क्या कर सकते हैं, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप खुद क्या कर सकते हैं कि आप मैकेनिक तक गाड़ी पहुंचा दे या अपनी सर्विस स्टेशन तक गाड़ी पहुंचा दे। दोस्तों बन रहे वीडियो में देखते रहे। दोस्तों ये जो पाइप है ये यहाँ से ब्रेक हो गई है। हमने इसको क्या किया दोस्तों, यहाँ से जो पीस है इसको हमने क्या किया, छोटा पीस है, कट कर दिया। ऐसे कट करने के बाद इसको हम यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ब्लोअर की बोर का कनेक्शन, चाहे आपकी पेट्रोल स्विफ्ट हो, पेट्रोल आपकी सियाज हो, पेट्रोल आपकी इग्निज हो और पेट्रोल बेलिनो हो, सेम इंजन है दोस्तों, सेम टेक्निक है। तो आपने क्या करना है, या तो फिर आप इसको यहाँ कनेक्ट कर दीजिए क्योंकि पाइप लंबी है, कनेक्ट हो सकती है, बाद में आप चेंज करवा सकते हैं। नंबर दूसरी बात दोस्तों, अगर पाइप बीच से फट जाती है, पाइप अगर बीच से फट जाए, बीच से फट जाती है ना मिले, तो दोस्तों इसका भी तरीका बता देता हूं कि क्या करना होता है। इस पे हमने क्या करना है दोस्तों, यहां पे जो हमारा सामने आपको दिख रहा है बॉडी, बॉडी की जो फायर प्लेट है जिसे फायर प्लेट कहते हैं, यहां पे पाइपें कनेक्ट है। जो पाइप आपकी फट चुकी है उसे नहीं खोलना दोस्तों यहां से। जो पाइप आपकी ओके है, इन और आउट होता है दोस्तों, जो पाइप ओके उसको खोल के अपने यहां से वापिस लेके यहां को आना है। और यहाँ पे हमारे पास जो ब्लोअर का कनेक्शन है आपको यहाँ दिख रहा है दोस्तों, जो मैं आपको शो कर रहा हूँ पार्ट को, इस को आपने क्या करना है, वहां पे इसको लाके कनेक्ट करना और इसको बंद करना है दोस्तों। ये आपका यहाँ बाईपास हो जाएगा और पानी आपका अंदर ब्लोअर की तरफ नहीं जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका पानी इंजन जो हमारे सिलेंडर में है बना रहेगा और पानी बिल्कुल लीकेज नहीं होगा, जिसकी वजह से आप गाड़ी को बिल्कुल चला सकते हैं। आप चाहे ले से कन्याकुमारी तक गाड़ी ले जाइए, बट इसमें एक इशू रहेगा, एक कॉज रहेगा कि आपका ब्लोअर नहीं चलेगा, पर आपको गाड़ी को सर्विस स्टेशन या अपने टेक्नीशियन के पास पहुंचा के पाइप को चेंज करवाना दोस्तों। तो इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी बीच रास्ते में फंसी थी और वहां पे जाके हमने इस गाड़ी को इसी तरीके से यहाँ लाया और पाइप अवेलेबल नहीं है दोस्तों, नहीं है तो इसमें भी हमने पाइप लंबी थी, काफी लंबी होने की वजह से हमने इसको काट के यहीं पे कनेक्ट कर दिया। अगर दूसरा तरीका भी बता दिया, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि अगर आप इस पाइप को नहीं लगाते, अगर पानी ड्राई हो जाता तो आपका इंजन दोस्तों चलते चलते इंजन हीटअप हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा, जिसकी वजह जितने भी गैसकेटें जल जाएंगे, जलने की वजह से इंजन सीज हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ईआर जनक भारद्वाज के नाम से चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट एंड लाइक जरूर करें दोस्तों।